हेलो एवरी वन वेलकम टू माई चैनल एफ वेलकम बैक टू माई चैनल सो मैं यहाँ आज को और एक पेगा कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ एंड आज का जो पेगा कार्ड रीडिंग होगा वो होगा द न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ ओके सो बेसिकली ऐसा कौन सा नया चैप्टर आपके लाइफ में स्टार्ट होने जा रहा है ओके okay? आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा सो एज ऑलवेज हमारे पास तीन ग्रुप है पहले मैं आपको क्रिस्त दिखाऊंगी अगर आपको क्रिस्टल्स के थ्रू से डिफ़िकल्टी होता है चूज़ करने में देन आप कार्ड्स के थ्रू से आराम से अपना पायल चूज कर सकते हो जितना भी टाइम स्टैम्स है लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा सो येस विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग के साथ हेलो ग्रुप नंबर वन अगर आपने सिक्स ऑफ कप्स ओके एंड ये क्लियर क्वार्ट्स क्रिस्टल चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है ओके सो फॉर ग्रुप नंबर वन विद सिक्स ऑफ कप्स एंड क्लियर क्वार्ट्स क्लियर क्वार्ट्स क्रिस्टल सो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग जो मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है एक्चुअली बहुत ही क्लियरली वो है ये बहुत ही क्लियर एंड वाइट काइंड ऑफ एनर्जी ओके क्योंकि यहाँ भी बहुत ज़्यादा वाइट कलर है सो आई एम सींग की विद दिस बहुत लोगों के लिए आपके लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें क्लीनस आउट हो रहा है ओके एंड आई एम सीइंग कि जो एक नया चैप्टर आपके लाइफ में शुरू यू नो स्टार्ट होने वाला है वो है बेसिकली आपका आपके इनर चाइल्ड के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा बहुत लोगों के लिए आपका जो भी ओल्ड वन्स uh, है डिसपॉइंटमेंट है ये इनर चाइल्ड को लेके भी हीलिंग हो सकता है बहुत लोगों के लिए आई एम सींग कि अगर कुछ वंड है ओके okay, आपके इनर चाइल्ड को लेके उसको लेके भी बहुत ज़्यादा हीलिंग होगा ओके आपके इस नए चैप्टर में एंड आई एम गेटिंग बहुत लोगों के लिए आप लोगों को हारमोनी ढूंढ के मिलेगा अपने लाइफ में कनेक्शंस को लेके ओके okay, आप पास्ट में जो हुआ उसको बार बार आप सोच के अपना प्रेजेंट खराब नहीं कर रहे हो ओके okay, आप लोगों को लेके भी कुछ डिसअपॉइंटमेंट अपने दिल में नहीं रख रहे हो बल्कि यहाँ पे हीलिंग हो रहा है सो so, यहाँ पे मुझे हार्ट चक्रा हीलिंग दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर वन के लिए एक्चुअली बहुत क्लीन साउट हो रहा है आप, आपके एनर्जेटिक फील्ड में एंड यहाँ पे एक किसी एक टाइप का विश फुलफ़िलमेंट भी दिखाई पर रहा है यानी कि बहुत लोगों के लिए आप और ज़्यादा केयरफ्री होने वाले हो ज़्यादा यू नो इतना आप ओवरली सीरियस नहीं होने वाले हो चीज़ों को लेके ओके इन जनरल आप अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा एक चाइल्ड लाइक एनर्जी के साथ जीने वाले हो ओके okay? ज़्यादा आप दिल पे नहीं लेंगे ओके okay? बहुत चीज़ों को अगर कोई कुछ बोल भी देता है आप उसको अपने दिल पे नहीं लेने वालों ओके okay? सो so, यहाँ पे बहुत ही एक फ्री फ्लोइंग एनर्जी है ओके okay? एक कालनेस है एक शांति है जो मुझे यहाँ दिखाया पड़ रहा है एंड डेफिनेटली कुछ एक चाइल्डहुड के साथ कुछ एक कनेक्शन दिखाई पड़ रहा है बहुत लोगों के लिए ओके सो वट एल्स है सो विद क्लियर क्वार्ट ओके ये या फॉर सम ऑफ यू ये इसलिए हो रहा है क्योंकि शायद आप लोग यू uh, नो you know, और ज़्यादा यूनिवर्स पे भरोसा करने लग गए हो आपका जो कनेक्शन है आपके एंजल्स एंड गाइड्स के साथ यूनिवर्स के साथ वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है ओके आई एम सींग की uh, आपका जो फेथ है न भगवान के ऊपर वो बढ़ रहा है सो so, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे सो डेफिनेटली फॉर सम ऑफ यू आई लिटरली सी समवादी प्रेइंग यानी कि आप बहुत ज़्यादा या आपका जो कनेक्शन है भगवान के साथ वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा या yeah. सो so, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा क्लिनसिंग हो रहा है आपकी एनर्जी में ओके सो लेट मी सी द न्यू चैप्टर ऑफ ग्रुप नंबर वंस लाइफ प्लीज लेट्स सी द न्यू चैप्टर ऑफ ग्रुप नंबर वंस लाइफ ओके What is the new chapter of group number one's life, James and Guides? Okay. What is the new chapter of group number one's life, please? New chapter of group of group number one's life, changes Jason What is the new chapter of group number one's life? What is the new chapter of group number one's life? Okay. So one of the deck have four of swords. Four of swords. Let's see. What is the new chapter of group number one's life? So you have eight of ones. ओके आपका नेक्स्ट कार्ड है द एम्पर वाओ ओके एंड थर्ड कार्ड है आपका सेवन ऑफ कप्स एंड द फोर्थ कार्ड इज मिजिशियन ब्रिलियंट सो फॉर ग्रुप नंबर वन बहुत लोगों के लिए ये विद इन नेक्स्ट सिक्स मंथ्स आप डेफिनेटली इस चीज़ को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट होते हुए देखेंगे एक्चुअली वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे एंड ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये बहुत ही यू नो रैपिड वे में होगा आपके लाइफ में क्योंकि मुझे यहाँ बहुत सारा चेंजेस अभी ही करेंटली आपके लाइफ में दिखाया पड़ रहा है एक्चुअली सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड मूवमेंट चल रहा है शायद बहुत लोगों के लिए ओके okay, करेंटली आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ रहा होगा आपके तरफ देट में बी समथिंग बहुत लोगों के लिए ये किसी एक टाइप का बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी दिखाई पा रहा है यानी कि आप एक भी अपॉर्चुनिटी को पीछे नहीं छोड़ो ओके आप एक भी अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं दे रहे हो आप ग्रैप कर रहे हो सब ऑपरचुनिटीज़ को एंड यहाँ पे बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है बहुत ही एजर्टिव एनर्जी है ओके okay? जहाँ पे आप मेहनत लगाने के लिए भी इक्वली रेडी हो क्योंकि बहुत लोगों के लिए मुझे एक ऐसा मैसेज आ रहा है जहाँ पे आप हमेशा से प्रिपेयर थे ओके okay? बहुत चीज़ों के लिए एक ग्रोथ के लिए आप प्रिपेयर थे सो so, करेंटली आपके लाइफ में बहुत चेंजेस हो रहा है ओके बहुत ही फास्ट मूवमेंट फास्ट पेस वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे ग्रुप नंबर वन के लिए सो द न्यू चैप्टर ऑफ़ योर लाइफ इज़ कनेक्टेड टू दिस अपॉर्चुनिटीज़ जो करेंटली आपको दिया जा रहा है आपके लाइफ में यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन भी दिखाई पड़ रहा है सो so, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो बहुत चेंजेस हो रहा है आपके लाइफ में ओके okay? सो so, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे uh, बहुत लोगों के लिए शायद बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज़ Uh, आ रहे हैं आपके तरफ ओके बट आई एम ऑल्सो सींग सम काइंड ऑफ लाइक ट्रैवलिंग ओके जो आपको एक्चुअली आपके ग्रोथ की तरफ ले जाएगा बहुत लोगों के लिए सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सींग विद द एड ऑफ वंस ओके सो विद द एम्पर द न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ वाओ दिस इज़ वेरी बिग सो करेंटली आप जितना एक्शंस ले रहे हो आ वही चीज़ आपको ये एम्पर पोजिशन तक पहुँचा रहा है ओके okay? सो so बहुत लोगों के लिए आप एक ऐसे ऑथोरिटेटिव पोजिशन में होने वाले हो जहाँ पे यू विल फील वेरी स्टेबल ओके एंड आपके लाइफ में एक अलग ही टाइप का एक स्ट्रक्चर होगा बहुत लोगों के लिए ये फाइनेंस के केस में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी दिखाई पड़ रहा है मुझे फॉर सम ऑफ़ यू यहाँ पे प्रमोशन है यानी कि आपको अपग्रेड क्यों ना आपके करियर में कुछ एक अपग्रेड हो रहा है आपके पोजीशन में अपग्रेड हो रहा है आई एम डेफिनेटली सीइंग वेरी पावरफुल चेंज ओके विद द एम्पर एंड करेंटली जितना आप एक्शन लगा रहे हो ना वही चीज़ आपको इस पोजीशन तक ले जाएगा विद द एम्पर वेरी वेरी पावरफुल एंड बहुत लोगों के लिए अगर ये आपका खुद का कुछ एक बिजनेस है देन आई एम सीइंग कि ये बहुत ही सक्सेसफुल होगा एंड आपको लगेगा कि आप एक ऐसी जगह पे पहुंच गए हो फाइनली जहाँ पे यू आर एबल to you know like independent मुझे एक vibe तो मिल ही रहा है लेकिन I am also सिंह कि आप लोगों को भी uh, employment देंगे okay वो एक message आ रहा है यहाँ पे बहुत लोगों के लिए but overall यहाँ पे एक sense of structure है okay बहुत लोगों के लिए आपके life में एक बहुत ही strong sense of structure होगा विद इन नेक्स्ट सिक्स मंथ्स ओके ये बहुत लोगों के लिए six months from now मुझे एक message आ रहा है सो डेफिनेटली यू आर क्लेमिंग द विक्ट्री आप विक्ट्री क्लेम कर रहे हो एंड ये बहुत वक्त के लिए ये मैनिफेस्ट हो रहा था बिहाइंड दीन्स ग्रुप नंबर वन के लिए एंड आप फाइनली अपने पावर को क्लेम कर रहे हो क्योंकि आपको अपना पावर समझ में आ रहा है ओके सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सींग क्योंकि ये किंग आर्थर का एनर्जी है सो so ये एक स्वर्ड को क्लीम करने का एनर्जी है जो हमेशा से आपका था ओके okay, वो आप क्लीम करने जा रहे हो सो so ये यू नो बहुत ही पावरफुल एक पोजीशन है जो आप क्लीम करने जा रहे हो सो विद सेवन ऑफ कप्स आई एम सीइंग कि दिस स्पीक्स अबाउट लाइक चॉइसेस, ओके डिफरेंट टाइप्स ऑफ चॉइसिस आपके लाइफ में आई एम सींग की इस पोजिशन में पहुँचने के बाद विद द सेवन ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा आपके लिए अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ खुल जाएगा आपके लाइफ में यानि कि आपको ऐसा लगेगा कि मेरे लिए ये भी पॉसिबल है ये भी पॉसिबल है ओके डेफिनेटली आई एम सीइंग दैट एंड बहुत चॉइसेस होगा आपके सामने ओके okay. यानि कि यहाँ से अभी मैं कहाँ जा सकता हूँ या फिर जा सकती हूँ वो एक मैसेज आ रहा है विद द सेवन ऑफ कप्स लाइक बहुत ही बहुत सारा ऑप्शंस आपके लिए खुल जाएगा चॉइसेस आपके लिए खुल जाएगा एंड इट्स लाइक अप टू यू कि आप क्या चूज करना चाहते हो ओके विद द मजिशियन पावर बेसिकली आपके हाथ में होगा कि आप क्या चॉइस बनाना चाहते हो किस डरेक्शन आप जाना चाहते हो ओके वाह एंड आई एम सींग लाइक एप्सल्यूट हीलिंग विद द फोर ऑफ स्वर्ड्स ओके जहाँ पे रेस्ट लेने का भी एक टाइम होगा ओके okay? जहाँ पे ये बेसिकली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बैठ के रेस्ट लेना चाहते हो या आगे ही बढ़ते रहना चाहते हो ओके okay? आगे ही बढ़ते रहना चाहते हो आई एम सो सॉरी माईदम सो दैट इज द मैसेज आई एम गेटिंग विद सेवन ऑफ कप्स एंड म्यूजिशियन बहुत लोगों के लिए इट्स बेसिकली लाइक मेनी चॉइसेस आप कुछ भी जो भी आप करना चाहते हो जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो आप कर पाएंगे सो so, वो एक मैसेज आ रहा है विद द म्यूजिशियन वाह सो लेट्स सी फॉर मोर Okay, so the new chapter of group number one's life, please. What is the new chapter of group number one's life? New chapter of group number one's life, please. What is the new chapter of group number one's life? New chapter of group number one's life. Okay, what is there of group number one's life, please? New chapter of group number one's life. Okay, here we go. One of the deck here, Dragon's Lair. Okay. सी यहाँ पे एनकरेजमेंट है ओके एनकरेजमेंट नेक्स्ट कार्ड है आपका स्टक इन द मथ ओके सो या सो पहले अगर आप यू नो बहुत ही पहले ओके okay, ये पहले ही मुझे पास्ट का कुछ एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे अगर आप लोग स्टक फील कर रहे थे देन ऑफ कोर्स बहुत रैपिड मूवमेंट आएगा, आएगा आपके लाइफ में सो बेसिकली विद द ड्रैगन स्लेयर एक मैसेज आ रहा है कि ये एक बहुत ही अनचार्टेड टेरिटरी है ओके जिस डायरेक्शन भी आप आ, इस चेंज के बाद जाएंगे, ओके क्योंकि मुझे यहाँ एक बहुत ही पावरफुल एक पोजीशन दिखाई पड़ रहा है एंड बहुत ही चॉइसेस आपके लिए खुल रहे हैं, वो एक मैसेज आ रहा है एंड विद दिस चॉइस ये बहुत ही अलग अलग टाइप का यू नो पर कुछ प्रोजेक्ट uh, हो सकता है बहुत लोग शायद आपके साथ काम करना चाहेंगे डैट में भी समथिंग बहुत लोगों के लिए ये कुछ कोलेबोरेशन हो सकता है सो uh, so बहुत चॉइसिस मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है सो विद द ड्रैगन स्लेयर ये एक बहुत ही अनचार्टड टेरिटरी है ओके okay, जिसके तरफ आप लोग आगे बढ़ पाएंगे आफ्टर डैथ सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ओके okay, आप वेदर यू वन गो डेट डरेक्शन और नॉट हाउ टी सी दिस इज़ लाइक एन एक्सपीरियंस ओके या फिर ये एक ऐसा इमोशन है जहाँ पे Uh, बहुत ही अलग एनर्जी आप लोग एक्सपीरियंस करने जा रहे हो एंड यहाँ पे एक बहुत ही अलग टाइप का एक एक्साइटमेंट है साथ में थोड़ा सा एक थोड़ा सा डर एंड थोड़ा स्केरी काइंड ऑफ एनर्जी है लेकिन फिर भी ये आपको एक्साइटमेंट देता है ओके okay, क्योंकि ये बहुत ही नया है एंड आपका गट फीलिंग आपसे बोल रहा है कि ये आपको एक्सपांशन की तरफ ही ले जाएगा सो so ये वैसा एक मैसेज आ रहा है ओके okay? सो so बहुत लोगों के लिए यू आर हेडिंग टवर्ड्स दैट डरेक्शन

हमेशा से ओके okay? एंड आप फाइनली uh, उस डायरेक्शन आगे बढ़ रहे हो सो so आपको बहुत ज़्यादा इंक्रेजमेंट दिया जा रहा है सो आई एम डेफिनेटली सेइंग कि द न्यू चैप्टर ऑफ़ योर लाइफ इज़ गोइंग टू बी लाइक यू नो थोड़ा ग्राउंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी आपके एनर्जी में वो एक डेफिनेटली मुझे एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे बिकॉज आई ऑन यहाँ पे फायर uh, है वाटर है एयर है लेकिन अर्थ नहीं है ओके okay? सो बहुत लोग या अर्थ इज यर विद अ मेजिशन बट नॉट द अर्थ एलिमेंट ओके क्योंकि विद अ मेजिशियन ये वर्को एंड जेमिनाए को डिपिक करता है बट अपार्ट फ्रॉम देट आई एम सिंग यहाँ पर थोड़ी सी ग्राउंडिंग की जरूरत पड़ेगी ओके विद स्ट इन द मट क्योंकि बहुत लोगों के लिए इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इतना चॉइसेस होगा आपके सामने कि आप थोड़ा सा यू नो कंफ्यूज्ड हो जाओ कि इस डरेक्शन जाओ कि उस डन जाओ ओके okay? सो so, बहुत लोगों के लिए ये चॉइस जब आपको बनाना होगा आप थोड़ा यू नो आपको ऐसा लग सकता है कि अच्छा कौन सा चूज़ करो तो so, सो बहुत लोगों के लिए देर आर गोइंग टू बी अ नीड फॉर यू टू ग्राउंड योर सेल्फ ग्राउंडिंग मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा uh, ताकि आप ये सही चॉइस ले पाए एंड uh, कौन सा आइडिया या फिर कौन सा अपॉर्चुनिटी uh, या फिर ऑफर आपको लेना है वो आप और ज़्यादा क्लियरली जान पाए थ्रू योर इंट्यूशन ओके उसके लिए ग्राउंडिंग uh, मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सींग ओके थोड़ा रेस्ट भी यू नो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आई एम सींग की बहुत ही रैपिड मूवमेंट हो रहा है यहाँ पर सो विद सेवन ऑफ कप्स ये दिस डेफिनेट स्पिक्स अबाउट कि ये भी है ये भी है ये भी है बहुत सारा आइडियाज़ आ रहे हैं लेकिन पता नहीं किस पे काम करूँ कौन सा पहले करूँ ओके okay? या फिर कौन सा चूज़ करूँ वो एक मैसेज आ रहा है सो ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है ओके okay? ये आई एम डेफिटी सींग कि ये यू you नो know, ये एक बहुत ही स्पेसिफिक इंसान के लिए बहुत ही स्पेसिफिक होगा एक्चुअली ओके दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग बट लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर वन द न्यू चैप्टर ऑफ ग्रुप नंबर वन लाइफ प्लस ओके द न्यू चैप्टर ऑफ ग्रुप नंबर वन लाइफ द न्यू चैप्टर ऑफ ग्रुप नंबर वन लाइफ प्लस ओके गो सो यहाँ पे है फोकस ऑन द लाइट ओके न्यू चैप्टर ऑफ ग्रुप नंबर वन लाइफ यहाँ पे है लिसनिंग फॉर चुट

एंड बहुत मैसेजेस आपको दिया जा रहा है ओके बाय द यूनिवर्स ओके एंड आपके एंजल्स एंड गाइड्स भी आपको बहुत ज़्यादा मैसेजेस दे रहे हैं एंड आपका क्लियर ऑडियंट एबिलिटी बहुत ज़्यादा एक्टिव है करेंटली जिसके वजह से शायद कुछ एक डाउनलोड्स आपको मिल रहे हैं ओके इन सम वे और अदर कहीं पे आपको कुछ सुनने को मिलता है इन अ रैंडम वे एंड पर वो आपके लिए एक मैसेज जैसा काम कर रहा है ओके okay? बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यहाँ पर बहुत सारा गुड न्यूज़ आपके तरफ आ रहा है ओके okay? वो भी एक मैसेज आ रहा है सो डेफिनेटली फॉर मोस्ट ऑफ़ यू विद लिसनिंग फॉर ट्रूथ आप लोग एक्चुअली एनालाइज कर पा रहे हो कि यू you नो know, कौन है एंड कैसे लोग आपको अप्रोच करें कैसे ऑफ़र लेके आ रहा है आपके तरफ ओके okay? ये बात आपको बहुत ही आराम से आप उस चीज़ को एनालाइज़ कर पा रहे हो एंड आपको ये आपका गट फीलिंग इतना स्ट्रांग हो गया है कि यू जस्ट नो कि एक स्पेसिफिक इंसान कहाँ से आ रहा है एंड कैसा इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा है एंड वो आपके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है ओके okay? आप वो आराम से एनालाइज़ कर पा रहे हो सो so आपका अभी करेंटली क्लियर ऑडियंट एबिलिटी इज़ वेरी वेरी एक्टिव ओके एंड आई एम सींग आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा करेंटली अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्टेड हो ओके एंड बहुत ज़्यादा गाइडेड हो ओके करेंटली आपके लाइफ में आपके एंजल्स एंड गाइड्स एंड यू नो बेसिकली दे आर लाइक गाइडिंग यू टूवर्ड्स बिकमिंग एन एम्पर ओके एंड कॉन्शियस कनेक्शन आई एम सींग कि बहुत लोगों के लिए ओके सो द न्यू चैप्टर ऑफ़ योर लाइफ इज़ गोइंग टू बी लाइक अ काइंड ऑफ चैप्टर जहाँ पर बहुत लोग आपको uh, आपके साथ कनेक्ट करना चाहेंगे क्योंकि आप एक बहुत ही पावरफुल जगह पे होने वाले हो सो आप बहुत ऑफर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे बहुत लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे एंड इट इज़ गंग टू बी वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप परख लें बहुत यू you नो know, um, अलग अलग एनर्जीज़ को लोगों को ओके इन सम वे विद अ कॉन्शियस कनेक्शन क्योंकि बहुत लोगों के लिए आप लोग बहुत सेंसिटिव भी हो ऐट द सेम टाइम ओके एंड आप चाहेंगे कि आप जिसके साथ कनेक्ट करो वो भी इक्वली बहुत ज़्यादा यू नो या बहुत ज़्यादा अवेयर है इमोशनली मच्योरड है या फिर यू नो दे केयर फॉर अदर पीपल्स यू नो इमोशंस या फिर ये वैसा एक यू नो यू वन बिल दैट ऑफ कनेक्शन सो बहुत लोगों के लिए आई एम सिंग कि द न्यू चैप्टर ऑफ़ योर लाइफ जो आपका नया चैप्टर होगा आपके लाइफ में उसमें आप बहुत ही सोच समझ के कनेक्शंस बनाएंगे अपने लाइफ में ओके okay? एंड ये बहुत लोगों के लिए बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकता है आप किन uh, किन लोगों के साथ कोलैबोरेट करना चाहेंगे उसको लेके आप बहुत ज़्यादा अवेयर होने वाले हो ओके सो आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आप लाइट पे ज़्यादा फोकस करेंगे आप निगेटिविटी पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे वैसे भी ओके okay? uh, जिसके वजह से आप ऐसे लोगों को अपने लाइफ में एंटर यू नो या फिर ऐसे लोगों को आप वेलकम करेंगे जो लोग यू नो बेसिकली पॉजिटिव है ओके okay? ज़्यादा नेगेटिव नहीं है या फिर ज़्यादा यू नो इन समय और आदर ज़्यादा निगेटिव या फिर पेसमिस्टिक बात नहीं करते ओके okay? या फिर इवन करते भी है आई एम सिंग कि आप लोग उस चीज़ को इतना ज़्यादा उस पर एनर्जी नहीं लगाएंगे ओके okay? वो एक मैसेज आ रहा है बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप ऐसे ऐसे यू you नो know, एक क्लोज सर्कल होगा आपका बहुत ही वेरी वेरी लाइक यू नो स्मॉल सर्कल हो सकता है स्मॉल सर्कल ऑफ़ पीपल लेकिन बहुत ही हाईली अवेयर स्पिरिचुअली अवेयर पीपल ओके या वैसे लोग आप लोग uh, वैसे लोगों के साथ कोलैबोरेट करेंगे एंड वैसे लोगों के साथ पार्टनरशिप में आप रहने वाले हो सो so, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर वन द न्यू चैप्टर ऑफ ग्रुप नंबर वन लाइफ इज The new chapter of group number one slide, please. Your angel sang Okay. So here, 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 woman holding a heart. Okay, woman holding a heart. New chapter of group number one slide. Journey is here. Here. So yeah, in this new chapter of your life, आप बस अपने heart को follow करने वाले हो okay? आप आप अपने दिल को follow करेंगे and ये आपका एक spiritual journey होगा जहाँ पर आपका heart chakra यू नो इट्स ओपनिंग अप अगर पहले आपका हार्ट चक्रा बंद था देन आई एम सिंह कि आपका हार्ट चक्रा खुल रहा है ओके आपके हार्ट चक्रा को लेके हीलिंग हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर वन आई एम डेफिनेटली सिंह कि एक बहुत ही ब्रांड न्यू स्पिरिचुअल जर्नी है जिस डायरेक्शन आप लोग आगे बढ़ रहे हो एक्चुअली एंड पॉसिबिलिटी इस कि यहाँ पे शिफ्ट भी हो सकता है आपके लोकेशन में रीसेटलिंग हो सकता है बहुत लोगों के लिए शायद आप लोग कहीं मूव करने वाले हो कहीं अलग जगह पे सेटल होने वाले हो वो एक मैसेज आ रहा है जो आपका ये एक नया चैप्टर होगा आपके लाइफ का उसमें एंड आपका हार्ट चक्रा इज़ गोइंग टू बी लाइक वेरी वेरी बैलेंस्ड ओके बहुत बैलेंस्ड होगा आपका हार्ट चक्रा सो आपके लिए Uh, देने में भी डिफ़िकल्टी नहीं होगा एंड रिसीव करने के लिए भी डिफिकल्टी नहीं होगा यानी कि आप ओपन होने वाले हो यूनिवर्स जो कुछ भी ब्लेसिंग आपको देना चाहता है उस चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा ओपन रहेंगे एट द सेम टाइम आप बहुत ज़्यादा जेनरस भी होंगे अपनी एनर्जी को लेके सो so, यहाँ सेल्फ़ लव भी बहुत है एंड एट द सेम टाइम लव इन जनरल आप लव के एनर्जी में रहने वाले हो क्योंकि आई एम सींग लॉट्स ऑफ लाइक हार्ट चक्रा एक्टिवेशन आपका हार्ट चक्रा एक्टिवेट होने वाला है ओके सो इन अ वेरी नेचुरल वे आप बहुत ज़्यादा कंपैशनेट फील करेंगे mm -hmm. लोगों को लेके मदर अर्थ को लेके एनिमल्स को लेके ये वैसा एक एनर्जी आ रहा है जहाँ पे आपका यू नो यूल फील वेरी कंपैशनेट एंड बहुत ज़्यादा नर्चरिंग मदरली एनर्जी होगा आपका ये जो नया चैप्टर है उसमें ओके सो लेट्स सी द न्यू चैप्टर ऑफ ग्रुप नंबर वन इट्स व न्यू चैप्टर ऑफ ग्रुप नंबर वन लाइफ प्लीज ओके सो so, यहाँ पे है वाटर फॉल इफोर्टल्स वाटर फॉल इफोर्टलैस या सो क्रिस्टल फोकस या डेफिनेटली आई एम डेफिनेटली सींग कि आपका थर्ड आई भी एक्टिवेट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे एमथिस्ट है सो so, डेफिट uh, जब भी मैं ये कार्ड देखती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि आपका थर्ड आई एक्टिवेट हो रहा है एंड आई एम सींग कि जैसे कि आप पॉजिटिविटी पे फोकस uh, करेंगे एंड अपने ही स्पिरिचुअल जर्नी पे फोकस करेंगे एंड आप अपने हार्ट चक्रा के साथ कनेक्टेड रहेंगे आई एम सिंह कि जैसे आप उस एनर्जी में रहने वाले हो बहुत कुछ चीज़ें आपके लाइफ में इफोर्टलेसली होगा ज़्यादा आपको इतना यू you नो know, uh, जोर लगाना नहीं पड़ेगा ओके okay? वो एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें आपके लाइफ में बहुत ही क्विकली मैनीफेस्ट होगा ईजिली मैनीफेस्ट होगा क्योंकि आपने वो इनर वर्क किया हुआ है ओके बहुत लोगों के लिए बाई दैट टाइम सो जहाँ पर आपका जो हार्ट चक्रा है वो एक्टिवेट हो रहा है सो so, बहुत कुछ चीज़ें आपके लाइफ में बहुत ही इफोर्टलेसली यू नो होने वाला है ओके okay? जहाँ पर आप रेजिस्ट नहीं कर रहे हो जहाँ पर जो यूनिवर्स आपको देना चाहता है आप बेसिकली उसको एक्सेप्ट करने के लिए भी रेडी हो देट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर ग्रुप नंबर वन ओके सो so, या yeah, आप बहुत ही सुंदर एक फ्लो में रहने वाले हो एंड आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे अपनी um, जर्नी में ओके okay, जहाँ पे आप बस ग्रोथ के ऊपर फोकस करो पॉजिटिविटी के ऊपर फोकस करो लव के ऊपर फोकस करो लाइट के ऊपर फोकस कर रहे हो सो दैट्स वाई दिस चेंज इज़ हैपनिंग ओके बहुत लोगों के लिए या या डेफिनेटली सो वही है ग्रुप नंबर वन का मैसेज ओके में से बहुत लोगों के लिए आप लोग एरीस हो सकते हो वर्गो जेमिनाई ओके वट एल्स वन मोमेंट या वेजिटेरियस है बहुत लोगों के लिए यहाँ पे पाइसी स्कॉर्पियो कैंसर या दोज आर ट ओनली साइंस आई एम या वही मिल रहा है मुझे यहाँ पे सो so, यह बहुत हीलिंग है आपके एनर्जी में ओके सो दैट इज़ द न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ जहाँ पे आप बहुत ही पावरफुल जगह पे होने वाले लोग सो so, वही था ग्रुप नंबर वन का मैसेज ओके सो थैंक यू सो मच ओके ग्रुप नंबर वन आई सी यू सन अगेन मै नेक्स्ट रीडिंग टिल थी टेक केयर सो हेलो ग्रुप नंबर टू अगर आपने ये टू ऑफ पेंटिकल्स एंड ये ग्रीन जेड चूज़ किया है दैन ये आपका रीडिंग है ओके सो विथ द टू ऑफ पेंडिकल्स एंड ग्रीन जेड सो बहुत लोगों के लिए आई एम सी कि यहाँ पे मल्टी टास्किंग हो रहा है आपके एनर्जी में दैट मे बी समथिंग ओके या फिर ये जो नया चैप्टर होगा आपके लाइफ में उसमें आप लोग शायद दो दो चीज़ एक साथ हैंडल करने वाले हो ओके बट एट द सेम टाइम ये बहुत ही आप इसको आराम से हैंडल कर पा रहे हो वो एक मैसेज आ रहा है बहुत लोगों के लिए आपने इस इस चीज़ को लेके आपने मास्टरी किया हुआ है बहुत लोगों के लिए सो so, यहाँ पे मुझे मल्टी टास्किंग दिखाई पड़ रहा है बहुत लोगों के लिए या yeah. एंड शायद आप दो दो चीज़ें एक साथ हैंडल कर रहे हो या फिर ये दो दो जॉब हो सकता है करियर हो सकता है फॉर सम ऑफ़ यू ये दो दो चॉइस हो सकता है करियर को लेके या एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी को लेके कुछ दो दो चॉइस है आपके लाइफ में एंड आपको चूज़ करना पड़ सकता है बट फॉर मोस्ट ऑफ़ यू यहाँ तो मुझे डेफिनेटली टू स्ट्रीम्स ऑफ इनकम दिखाई पड़ रहा है जो आप एक साथ संभाल रहे हो सो क्योंकि यहाँ पर ग्रीन जेड भी है एंड इट स्पीक्स अबाउट अबन्डेंस लक ओके एंड फॉर मोस्ट ऑफ़ यू ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आप डेफिनेटली आपने बहुत मेहनत लगाया है यहाँ तक पहुँचने के लिए यू मे बी ऑल्सो अल दबे टायर्ड यहाँ पे थोड़ा टायर्डनेस टायरनेस uh, का भी एनर्जी है थोड़ा वर्न आउट जैसा एक एनर्जी है बहुत लोगों के लिए बट इट डजन टेक अवे फ्राम द फैक्ट कि आप लोग डेफिनेटली बहुत ज़्यादा यू नो या बहुत ज़्यादा अबांडेंट हो ओके okay? और यू आर मैन टू बी वेरी वेरी अबांडेंट ओके सो बहुत लोगों के लिए अगर आप ऐसा फील नहीं कर करो देन आप डेफिनेटली यू आर गोइंग टू फील दैट वे बहुत लोगों के लिए ये विद इन वन ईयर ओके वन ईयर फ्रॉम नाउ वैसा एक मैसेज आ रहा है बहुत लोगों के लिए जो नया चैप्टर है ओके फॉर सम ऑफ यू इट्स स्पीकिंग बा लाइक टू मंथ्स फ्रॉम नाउ ये चेंजेस स्टार्ट हो जाएगा आपके लाइफ में जहाँ पे आपको ये शिफ्ट फील होगा अगर आप लोग अभी एबंडन फील नहीं कर रहे हो सिंह की ये शिफ्ट जो है ये टू मंथ्स फ्रॉम नाउ आप लोग फील करना स्टार्ट करेंगे अपने लाइफ में सो दैट इज़ आई एम सिंग एंड ये डेफिनेटली आपको अबंडेंस की तरफ ले जा रहा है विद ग्रीन चीज एंड ये बहुत ही रॉयल काइंड ऑफ एनर्जी है वेरी रॉयल एंड शायद एक ऐसा मैसेज आ रहा है जहाँ पे आपने बहुत मेहनत लगाया है एंड यू नो यू डिज़र्व डेथ Crown, you यू डिज़र्व throne. ये वैसा एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे आपको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है आपके हार्ड वर्क की वजह से क्योंकि आप लोग डेफिनेटली कुछ हद तक आई एम लाइक टायर्ड एनर्जी जहाँ पे आपने बहुत मेहनत लगाया ओके okay? वैसा एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे बहुत एक्सपीरियंसेस uh, आपने देखा होगा अपनी लाइफ में जो इतना ईजी नहीं था ओके सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर थ्री okay so the new chapter of group number sorry group number two the new chapter of group number two slide please the new chapter of group number two slide please okay the new chapter of group number two slide please okay the new chapter of group number two life okay here we go so you have a strength bottom of the deck strength the new chapter of group number two's slide okay so let's see. First card here, herefund in reversed. Okay. Next card here, nine of wands in reversed. Okay. The new chapter of group number two's life is seven of swords upright. Okay. And the last is chariot upright. Brilliant. Chariot. Wow. चेरियत इस रीडिंग को एंड कर रहा है सो वाह इट्स इट्स अ वेरी पावरफुल मैसेज जो मुझे यहाँ मिल रहा है एक्चुअली ग्रुप नंबर टू के लिए सो आई एम सेइंग कि करेंटली आप लोग डेफिनेटली इतना ज़्यादा स्टेबल फील नहीं कर रहे हो uh, आपके होम लाइफ में कुछ ऑफ बैलेंस कुछ एनर्जी चल रहा होगा ओके okay, बहुत लोगों के लिए जस्ट इन जनरल आपके एनर्जी में कुछ यू you नो know, आपको ऐसा लग रहा है कि या यू फील लाइक अलबे लॉस्ट ओके बहुत लोगों के लिए यानी कि आपको पता नहीं चल रहा है कि पता नहीं मैं किस डन आगे बढ़ रहा हूँ या फिर किस डशन आगे बढ़ रही हूँ आप थोड़ा क्लूलेस फील करो शायद थोड़ा डिसकनेक्टेड फील करो भगवान से या फिर यूनिवर्स से ओके okay, यहाँ मुझे कुछ हद तक डिसकनेक्शन दिखाई पड़ रहा है और एंड अपनी स्पिरिचुअल सेल्फ से भी थोड़ा डिसकनेक्टेड एनर्जी है यहाँ करेंटली ग्रुप नंबर टू के लिए एंड ये घर में कुछ चल रहा है शायद किसी से के लिए दैट मे बी समिंग जहाँ पे घर में कुछ आप अनस्टेबल फील कर रहे हो शायद देअर मे बी समिंग गोइंग ऑन जो थोड़ा सा आपको यू you नो know, या जो आ आपके स्टेबिलिटी को थोड़ा सा हिला रहा है ओके okay? आपके घर में कुछ सिचुएशंस चल रहा है शायद विदोफिन इन रिवर्स एंड नाइन ऑफ वन इन रिवर्स सो आई एम सेंग कि द न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ जहाँ पर आप इतना डिफेंसिव एनर्जी में हो क्योंकि आई जनरली आई एम सींग की बहुत लोगों के लिए बुध हेर ऑफ इंडियन रिवर्स ये बहुत ही एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे दिस अपराइट स्पीक्स अबाउट सम्बादी जो बहुत ही ज्यादा स्परिचुअली इवॉल्व थे एंड बहुत ही हाई ऑथोरिटेटिव पोजिशन में है फॉर सम ऑफ यू ओके लेकिन आई एम सेंग कि राइट नाव यू डोंट फील दैट वे आप करेंगे ऐसा फील नहीं करो आपको लग रहा है कि आप गलत जगह पे हो आपको लग रहा है कि पता नहीं ये लाइफ ऐसा क्यों हो रहा है यू आर क्लूलेस कि आप uh, किस डायरेक्शन आगे बढ़ो दैट में बी समथिंग सो यह थोड़ा ऑफ बैलेंस एनर्जी है सो द न्यू चैप्टर ऑफ द ऑफ योर लाइफ इज़ गोइंग टू बी बेसिकली जहाँ पे ये जो डिफेंसिस है आपका इट्स गोइंग टू फॉलो अवे जहाँ पे इतना डिफेंसिव के आप आगे बढ़ रहे हो ना अपने लाइफ में जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत लोग आपको क्वेश्चन हैं या फिर आपके इंटेंशन को क्वेश्चन हैं या फिर जन जस्ट इन जनरल आपके एनर्जी को क्वेश्चन करे यहाँ पर थोड़ा डाउटफुल एनर्जी है शायद बहुत लोगों का आपको लेके एंड वो आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है शायद देट में भी समथिंग ओके फॉर सम ऑफ यू यू लिटरली हैव सम काइंड लाइक फियर ओके यहाँ पे किसी टाइप का मुझे यहाँ डर दिखाई पड़ रहा है एंड यहाँ पे पता नहीं घर के साथ कुछ कनेक्शन है लोगों का आई डोंट नो व्हाई बट आई एम सीइंग कि आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो ग्रुप नंबर टू के लिए एंड वो चीज़ आपको ख़ुद को मालूम भी नहीं है शायद ओके okay? वैसा एक मैसेज आ रहा है यू मे बी रियलाइजिंग क्वाइट लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट पीपल जस्ट इन जनरल आप लोगों को लेके बहुत कुछ चीज़ें रियलाइज़ कर रहे हो शायद ओके okay? एंड जो ये एक नया चैप्टर होगा आपके लाइफ में उसमें आप एक्चुअली देख पाएंगे एंड समझ पाएंगे कि ये इस सब का सोर्स क्या है ओके ग्रुप नंबर टू के लिए बिकॉज विदन ऑफ वर्ड्स ये बहुत ही हिडन काइंड ऑफ एनर्जी है एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे छिपा हुआ है एंड आपको क्लियरली दिखाई नहीं पड़ रहा है ओके okay? कि क्या हो रहा है किस लिए हो रहा है वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे am सिंह की जो नया चैप्टर होगा आपके लाइफ में उसमें आप एक बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन से आप लोग निकल पाएंगे बिकॉज आई डेफिटली सींग कि यू you नो know, यहाँ पे बहुत दे आर समथिंग अबाउट लाइक माइंड ओके समथिंग अबाउट लाइक माइंड यहाँ पर बहुत डर है आई एम डेफली सींग शायद आपने इतने uh, सच्चे लोगों से डील नहीं किया है ओके okay. सो so, जिसके वजह से यहाँ पे थोड़ा एक सेंस ऑफ लाइक फियर डिफेंसिव एनर्जी दिखाई पर रहा है एंड आई एम सिंह कि आप इस सिचुएशन से निकल पाएंगे बहुत लोगों के लिए वो एक मैसेज आ रहा है एंड बहुत लोगों के लिए आप ये देख भी पाएंगे कि कौन सा एनर्जी है जो थोड़ा एक ट्रिकी है या फिर एक थ्रिकस्थर एनर्जी है ये कोई इंसान भी हो सकता है जो शायद यू नो डट हु डजेंट हैव द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ यू डेट मे बी समिंग विद सेवन ऑफ स्वर्ट्स यहाँ पे कुछ हिडन है जो आपको दिखाई पड़ेगा एंड आई एम सिंग की विद चहरीत आप इस चीज़ को ओवरकम कर पाएंगे ग्रुप नंबर टू के लिए ओके okay. आप इस एनर्जी को ओवरकम कर पाएंगे जहाँ पर आपको इतना डिफेंसिव डिफेंसिव रहना पर रहना आप इस चीज़ को ओवरकम कर पाएंगे एंड आई एम सिंग कि आप फाइनली अपने डेस्टनी के साथ uh, आप अलाइनमेंट में आने वाले बहुत लोगों के लिए थोड़ा सा वक्त लग सकता है ये जो चेंजेस होने वाला है एक्चुअली आपके लाइफ में आई बी रियली ऑनेस्ट ये इतना क्विकली नहीं होगा शायद लेकिन आई एम सींग कि इवेंचुअली आप इस सिचुएशन से निकल पाएंगे विद अ चेरियट आई एम डेफली सींग दैट सो फाइनली आप उसके बाद अपने यू uh, नो you know, ये जो डर है इससे बाहर निकल पाएंगे एंड आप अपने डेस्टिनी के साथ जो आपका एक्चुअल रास्ता है उसके साथ आप अलाइनमेंट में आएंगे सो so, बहुत लोगों के लिए यहाँ बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपके एनर्जी में करेंटली यानी कि बहुत चेंजेस हो रहा है आपके लाइफ में बहुत क्विक क्विक चेंजेस आपकी खुद के एनर्जी में बहुत जल्दी जल्दी बहुत चेंजेस हो रहा होगा एंड ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको फाइनली इस एनर्जी से बाहर निकालना है यूनिवर्स को बेसिकली ओके सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर टू द न्यू चैप्टर ऑफ ग्रुप नंबर टू इस लाइफ प्लेस

सो इट्स नॉट सच एन ईजी चेंज ओके ये इतना ईजी नहीं है आपके लिए आई डोंट नो वट यू आर डीलिंग विद माई गॉड इट्स सो ये मुझे इतना डर यहाँ पे बहुत लैक ऑफ क्लेरिटी मुझे बहुत कन्फ्यूजन दिखाई पड़ रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको किसको ट्रस्ट करना है किससे अपने एनर्जी को दूर रखना है सो so, यह बहुत ऑफ बैलेंस एनर्जी दिखाई पड़ रहा है एंड आप लोग एक्चुअली क्लियरली uh, चीज़ों को देख भी नहीं पा रहे हो करेंटली एंड जो आपके नया यू uh, नो you know, आपके लाइफ में जो नया चैप्टर होगा उसमें डेफिनेटली आप इस uh, ये जो इतना डिफेंसिव वाल है आपके आसपास उससे आप लोग बाहर निकल पाएंगे एक्चुअली उसको आप हील करने वाले हो ओवरऑल बहुत हीलिंग होगा यहाँ पे एंड विद द मेटामॉसिस आप लोग ये जो एक ये जो एक एनर्जी है ना जहाँ पे यू फील लाइक यू हैव टू हाइट बहुत लोगों के लिए यहाँ बहुत हीडन एनर्जी भी है एक्चुअली विद द मेटामॉरफोसिस फॉर सम ऑफ यू आपको अभी भी अपना मोस्ट ऑथेंटिक एनर्जी मालूम नहीं है आपका एक्चुअल एनर्जी कैसा है वो भी आप लोग उसको लेके थोड़ा क्लूलेस हो शायद ओके okay? क्योंकि हम हाँ मेटामॉर्फोसिस है ये ट्रांसफॉर्मेशन इतना इजी नहीं है ये एंड ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये अंदर से होता है सो so बहुत लोगों के लिए जो कुछ भी सिचुएशन आपके लाइफ में चल रहा है इस इट्स बेसिकली इन ऑर्डर टू मेक यू अवेयर ऑफ़ हु यू एक्चुअली आर ओके ताकि आप फाइनली आप रियलाइज़ कर पाए कि आप एक्चुअली हो कौन सो so यहाँ पर कुछ इंटरनल बहुत ही इंटेंस चेंज से आप लोग डील कर रहे हो इंटरनली ओके एंड ये एक ऐसा भी मैसेज आ रहा जहाँ पे आ, शायद यू you नो know, या शायद आपको ऐसी ट्रुथ के बारे में पता चलेगा जो इतना इजी नहीं है आपके लिए ओके okay? उसको फेस करने में शायद आपको बहुत यू नो यू माइट फील वेरी वेरी अनकम्फर्टेबल लेकिन विद मेकिंग चॉइस यू हैव टू फाइनली मेक अ चॉइस ओके आपको फाइनली चॉइस बनाना है अपनी लाइफ में वाह ओके okay? दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग जहाँ पे आपको फाइनली चॉइस बनाना है सो फॉर सम ऑफ यू इट्स सिंपल एस यू नो लाइक जहाँ पे बहुत डिफेंसिव एनर्जी है एंड आप अपने आप को हमेशा हीदन रखते हो आप ज़्यादा ओपन अप नहीं होते हो क्योंकि यहाँ पर अभी भी पेन है पास्ट से अभी भी डर है एंड फाइनली यू आर लाइक ओवरकमिंग ऑल ऑफ दिस क्या आप उन सब इमोशंस को एनर्जी को ओवरकम करो शेडोवर्क करो सो लेट्स सी द न्यू चैप्टर ऑफ ग्रुप नंबर टू इस न्यू चैप्टर ऑफ ग्रुप नंबर टू इज़ लाइफ द न्यू चैप्टर ऑफ ग्रुप नंबर टू इज़ लाइफ प्लीज, ओके यहाँ पे है पावर ऑफ़ अट्रैक्शन ब्रिलियंट, पावर ऑफ अट्रैक्शन सो यहाँ पे है कम टू लाइफ ओके एंड यहाँ पे है वट डू यू फील वट डू यू फील सो विद कम टू लाइफ एंड वट डू यू फील ओके आई एम डेफली गेटिंग दैट करेंटली आप लोग अपने इंट्यूशन से कनेक्टेड नहीं हो ओके वेरी अनग्राउंडेड एनर्जी एंड एज वेल एज आप बहुत लोगों के लिए थोड़ा स्केप्टिसिजम भी है यहाँ पे यूनिवर्स को लेके भगवान को लेके आपका जो फेथ है आई एम डेफिली सिंग थोड़ा यू नो आपको ऐसा लग रहा है कि आपका फेथ थोड़ा सा हिल गया है लेकिन यहाँ पे विद कम टू लाइफ इट्स बिकॉज यू आर यू नो लाइक कॉटअप इन योर माइंड ओके बहुत लोगों के लिए आप अपने माइंड में बहुत ज़्यादा कॉटअप हो एंड कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको रियलिटी में बदलने का मन है कुछ ड्रीम्स है आपका ओके okay, जिसको आपको पूरा करना है एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि यू कैन मेक इट हैपन ओके ये जो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव थॉट पैटर्न चल रहा है ना आपके अंदर सेल्फ़ टॉक नेगेटिव सेल्फ़ टॉक आई एम कि बहुत लोगों के लिए इट्स टाइम कि आपको उसको हील करना है एंड मूव टूवर्ड्स यू नो योर इंट्यूशन यूर इंटीशन यू नो आपका जो इंट्यूशन ओ माई गोथ आई कै नॉट स्पीक आपका इंट्यूशन बेसिकली आपको उस डरेक्शन गाइड कर रहा है जहाँ पे यू आर बिंग गाइडेड टू मेक योर ड्रीम्स रियल ओके आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हो अगर आप चाहो तो सो so बहुत लोगों के लिए आपका माइंड बहुत नॉइजी है आप उसमें बहुत ज़्यादा उलझ गए हो करेंटली एंड जिसकी वजह से आप क्लियरली चीज़ों को देख भी नहीं पा रहे हो आप थोड़ा डिस्कनेक्टेड हो अपने इंट्यूशन से ओके okay? वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे एंड इट्स टाइम टू कम आउट ऑफ दैट स्पेस ओके एंड उसी के लिए यहाँ बहुत चेंजेस हो रहे हैं बहुत डर है यहाँ पे बहुत यू you नो know, बहुत हर्ट भी है पास्ट से एंड आपको ऐसा भी लग रहा है कि कुछ हद तक यू uh, नो you know, यहाँ पे कुछ निगेटिविटी है आपके ऊपर एंड आई एम सींग कि वट डू यू फील बहुत लोगों के लिए इट्स ऑल अबाउट कनेक्टिंग विद हाउ यू फील अबाउट थिंग्स ओके क्योंकि आई एम सिंह कि अगर आपको करेंटली अच्छा नहीं लग रहा है आपका एनर्जी एंड आपका सिचुएशन दैन इट्स बेस्ट कि आप उस एनर्जी से बाहर निकले ओके okay? ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा अगर आपको कुछ ठीक नहीं लग रहा है देन इट्स टाइम कि आप ये चॉइस बनाएं कि आप उससे आइदर यू मूव ऑन फ्रॉम दैट ओके एंड मेक अ चॉइस कि अलग डिरेक्शन जाना है जहाँ आपको हैप्पीनेस मिले सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे विद वट डू यू फील इट्स ऑल अबाउट ट्रस्टिंग योर यू नो हार्ट ओके या वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा एंड शायद बहुत लोगों के लिए आप ट्रूथ को फेस नहीं कर पा रहे हो क्योंकि वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पेन देता है ओके okay? ये बहुत ही स्पेसिफिक है मैसेज क्योंकि आई कीप ऑन सींग समथिंग लाइक हिडन कुछ हीडन है इवन इफ आपको मालूम है ये चीज़ हिडन है ओके विद द सेवन ऑफ स्वर्ड्स वाओ इंटरेस्टिंग सो ये बहुत ही पेनफुल एक चेंज है ये इट्स नॉट ईजी अपने ट्रुथ को फेस करने का या फिर एक इंसान का ट्रुथ जो है उसको फेस करने का ओके okay, या फिर सिचुएशन का जो ट्रुथ है उसको फेस करने का हिम्मत यहाँ पे लाना है ग्रुप नंबर टू के लिए वाओ इट्स वेरी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल क्योंकि उसी के बाद उसी के बाद जब आप ये रियलाइज़ करेंगी कि हाउ यू फील इफ़ यू डोंट फील गुड समवेयर एंड यहाँ पे बहुत पेन है सैडनेस है देन इट मीन्स इट्स अ मैसेज कि आपको आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में क्योंकि वहाँ से आप नई चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे विद द पावर ऑफ अट्रैक्शन ओके फ्रॉम दैट प्लेस यू विल बी एबल टू अट्रैक्ट न्यू एनर्जी सो बहुत लोगों के लिए जो नया चैप्टर होगा आपके लाइफ में वहाँ तक पहुँचने तक थोड़ा सा यहाँ और ट्रांसफॉर्मेशन बाकी है क्योंकि बहुत लोगों के लिए आप लोग ट्रुथ को फेस करने के लिए रेडी नहीं हो शायद या फिर यू uh, नो you know, कुछ हद हाँ तक आप लोग को ये यू यू आर डिनाइंग समथिंग वो भी एक मैसेज आ रहा है ओके यहाँ पे कुछ ड्रीम्स है जिसको आपको पूरा करने का मन है लेकिन आप उसको डिनाई कर रहे हो क्योंकि यहाँ पे बहुत नॉइज़ है आपके माइंड में बहुत ओवर थिंकिंग है निगेटिव सेल्फ टॉक है एंड द मोमेंट यू कम आउट ऑफ दिस एंड आप अपना पोटेंशियल जब समझेंगे एंड अपने पोटेंशियल को जानेंगे यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग एग्जैक्टली वट यू विश फॉर ओके वो एक मैसेज आ रहा है व पावर ऑफ अट्रैक्शन वाओ सो इट्स अ मैसेज कि यूनिवर्स इज बेसिकली अबांडेंड ओके एंड यूनिवर्स जो है बेसिकली आपको अबांडेंस प्रोवाइड करेगा लेकिन उससे पहले आपको ये उस चीज़ को लेके अवेयर होना है ओके सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर टू ओके द न्यू चैप्टर ऑफ ग्रुप नंबर टू इज़ लाइफ प्लीजन गाइस द न्यू चैप्टर ऑफ ग्रुप नंबर टू इज लाइफ ओके सो सिक्स चक्र आर्के एंजल मेटाथ्रॉन ये थर्ड आई है ओके सो लेट्स सी यहाँ पे है गॉडेस ऑफ द मून इंटरेस्टिंग गॉडेस ऑफ द मून सो बहुत लोगों के लिए अभी जितना आप यू नो ऑफ बैलेंस फील कर रहे हो इवेंचुअली ये जो डर है ये जो हिडन जैसा है जो एनर्जी है अपने पोटेंशियल को ना देख पाने का एनर्जी जो है उससे आप लोग बाहर निकल पाएंगे विद द गॉडस ऑफ द मून यह बहुत इमेन्स शेडोवर्क हो रहा है एंड आप लोग अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होने जा रहे हो ओके एंड विद द गार्डन एंड द गेट अंडरस्टैंडिंग कि यहाँ पे मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ है ओके अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज एंड विद अ गार्डन एंड अ गेट इट स्पीक्स अबाउट कि आपको मिस आउट नहीं करना है अपॉर्चुनिटीज़ को लेके जब आप इस गेट से बाहर निकलेंगे आप देखेंगे कि इतना अपॉर्चुनिटीज़ है आपके हाथ में ओके okay? एंड बहुत लोगों के लिए ये चीज़ आप देख ही नहीं पा रहे हो क्योंकि अभी भी आप उस एनर्जी में हो जहाँ पे यू आर वेरी डिसअपॉइंटेड आप बहुत जेडड हो वैसा एक मैसेज आ रहा है बहुत लोगों के लिए एंड कुछ चीज़ें हैं जिसको आप यू नो एक्सेप्ट करना नहीं चाह रहे हो या फिर देर समथिंग गोइंग ऑन आउट हीयर ओके सो यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि अपनी इंट्यूशन से यू नो कनेक्ट करें एंड आई एम थिंक की इवेंशली जो नया चैप्टर होगा आपके लाइफ में उसमें आप अपनी इंट्यूशन के साथ और ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड होने वाले हो एंड विद द गॉडस ऑफ द मून ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत शाद वर्ग होगा बहुत इमोशंस है जिसको आप फेस नहीं करना चाहते उसको आप फेस करेंगे हील करेंगे जिसके वजह से आपका इंट्यूशन एक्टिवेट आपका इंट्यूशन हाइटेंड हो जाएगा ओके okay? एंड बहुत लोगों के लिए आप मून फुल मून के साथ भी स्ट्रांगली कनेक्टेड हो शायद जो वैक्सिंग एंड वेनिंग मून है अलग अलग जो फेजेस होता है मून का उसके साथ आपका यू नो आई एम सी इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड है ओके okay? एंड आप लोग डेफिनेटली कुछ लेसन सीख रहे हो अपने लाइफ में या दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग सो लेट्स सी व्हाट इज़ द न्यू चैप्टर ऑफ ग्रुप नंबर टू इस लाइफ प्लीज न्यू चैप्टर ऑफ ग्रुप नंबर टू इस लाइफ ओके वट एल्स ओके शमान एनशियन हीलिंग विजडम वाओ ओके एंड यहाँ पे है कर्मा इंटरेस्टिंग सो so, ये कुछ एक कार्मिक साइकिल है जिससे आप करेंटली डील कर रहे हो बहुत लोगों के लिए ओके okay. क्योंकि यहाँ मुझे बहुत uh, uh, शायद यू नो इट इट कैन बी आल्सो लाइक पीपल ओके विद से सेवन ऑफ सोर्ट्स एंड बहुत लोगों के लिए ये आपका खुद का एनर्जी भी हो सकता है जहाँ पे बहुत हीडन एनर्जी है यू you नो know, uh, आपको लग रहा है कि आपको डिफेंसिव रहना पड़ता है सो यू हैव टू वर्क इन अ वेरी डिफरेंट वे और गो अबाउट थिंग्स इन अ वेरी डिफरेंट वे शायद उसके आसपास बहुत हीलिंग होगा बहुत लोगों के लिए ओके टेक इफ इट रेजोनेट्स, ओके क्योंकि बहुत लोगों के लिए अलग अलग मैसेज आ रहा है यहाँ पे सो फॉर सम ऑफ यू ये लोगों को लेके सिचुएशंस को लेके आप ट्रूथ को फाइनली फेस कर रहे हो एंड उसको एक्सेप्ट कर रहे हो एंड आप आगे बढ़ो एंड फ्रॉम देट काइंड ऑफ प्लेस आप चॉइस बनेंगे अपनी लाइफ में कि यस आई आई वांट टू मूव ऑन एंड वहाँ से आपके लिए यू you नो know, वो मैनीफेस्टेशन का जो स्पाइरल है वो स्टार्ट हो जाएगा यानी कि योर एबिलिटी टू मैनिफेस्ट समथिंग न्यू ओके जो एक्चुअली यू नो आप चाहेंगे अपने लाइफ में जो एक्चुअली आपके हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड होंगे ओके सो वैसा एनर्जी आप लोग मैनिफेस्ट करने जा रहे हो सो विद अ कर्मा डेफिनेटली ये कार्मिक साइकिल है जिससे आप करेंटली डील कर रहे हो एंड द की इज़ बेसिकली टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे बहुत हीलिंग होना है ओके एंड विद द गॉडस ऑफ द मून अंडरस्टैंडिंग कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो अपने गट फीलिंग को फॉलो करना है मून ऑल्सो स्पीक्स अबाउट यू नो मून को मैं अक्सर मैनिफेस्टेशन के साथ भी कनेक्ट करती हूँ सो so, बहुत लोगों के लिए इट्स अबाउट योर एबिलिटी टू मैनिफेस्ट जो आप इतना अंडर एस्टिमेट कर रहे हो करेंटली यू आर एक्चुअली अ वेरी पावरफुल पर्सन ओके एंड बहुत लोग आप लोग ये खुद भी अन अवेयर हो उस चीज़ को लेके फॉर सम ऑफ यू आप अवेयर हो लेकिन आप एक ऐसे एनर्जी में जी रहे हो जहाँ पे यू you नो know, आप ब्लॉक्ड फील कर रहे हो ओके okay, एंड आप चीज़ों को देख नहीं पा रहे हो ओके फॉर व्हाट इट इज़ वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे सो so, आप लोग शायद पास लाइफ में शमांस थे बहुत लोगों के लिए सो यू आर डेफिनेटली वेरी वेरी यू नो साइकिक ओरिजिनली एंड आपका मैनिफेस्टेशन एबिलिटी भी एक्चुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है बट या यू मेन नॉट बी अवेयर ऑफ इट ओके सो या फ्रॉम हेयर यू विल बी यू नो देअ ऑल्सो मैसेज कि आप लोग ऐसे कनेक्शंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे ओके आफ्टर यू रियलाइज दिस ओके आप ऐसे कनेक्शन को अट्रैक्ट करेंगे जैसे यू नो ये जो लोग बहुत ज़्यादा आपके जैसे एम्पथेटिक है आपके सोल के साथ उनका कनेक्शन होगा ओके okay? या सोल बॉन्ड होगा एंड बहुत ही हाई स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा वैसे कनेक्शंस आप लोग अट्रैक्ट करेंगे उसके बाद ओके एंड इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग हाउ यू फील अगर आपको कहीं ठीक नहीं लग रहा है देन मूव ऑन फ्रॉम दैट ओके एंड बहुत लोगों के लिए ये शायद ये जो मूव ऑन करने का एनर्जी ये इतना ईजी नहीं है शायद बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि इट्स ऑल अबाउट लाइक इट्स मैसेज जो आपको दिया जा रहा है अगर इफ़ यू आर नॉट फीलिंग गुड अगर आपको कुछ अजीब लग रहा है अपनी इमोशंस को ट्रस्ट करें गट फीलिंग को ट्रस्ट करें ओके एंड क्योंकि दैट इज़ द की टू फाइंडिंग द राइट एनर्जी ओके सो ये डेफिनेटली ये बहुत लोगों के लिए अलग, अलग 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 होगा करियर की केस में भी हो सकता है ओके जहाँ यू मे नॉट बी वेरी हैप्पी ओके एंड आपको बहुत ही स्नीकी लोगों से डील करना पड़ रहा है दैट मे बी समथिंग स्नीकी को वर्कर्स हो सकते हैं uh, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है या yeah. बहुत लोगों के लिए होम लाइफ है नेबरहूद हो सकता है आपका ओके विच मे नॉट बी द मोस्ट हेल्दी दैट मे बी समिंग या दैर इज़ द ओनली मैसेज आई एम गेरिंग ओके सो बहुत लोगों के लिए आप लोग टॉरस uh, हो सकते हो कैंसर हो सकते हो ओके पाइसी स्कॉर्पियो ओके एंड लिब्रा है यहाँ पे लियो है जैमिनाए है बहुत लोगों के लिए या दो सार ओनली साइंस आई एम सिंह ओके वही दिखाई पड़ रहा है मुझे यहाँ पे थैंक यू सो मच है ग्रुप नंबर टू आई वेल सी यू सैन अगेन माई नेक्स्ट रीडिंग टिल्डन टेक केयर सो हेलो ग्रुप नंबर थ्री अगर आपने स्टार एंड ये रेड जस्पर चूज किया है देन ये आपका रीडिंग है ओके सो विद स्टार एंड रेड जेस्पर सो बहुत लोगों के लिए आई एम गेटिंग की द न्यू चैप्टर ऑफ़ योर लाइफ ओके उसमें बहुत ज़्यादा हीलिंग है ओके okay, बहुत लोग यहाँ पे आइडर यू नो किसी एक टाइप के प्लेटफॉर्म में है या फिर आ, कोई एक टाइप का यू you नो know, आपका जो करियर है इट में भी कनेक्टेड टू एंटरटेनमेंट ओके किसी से के लिए ये फैशन डिजाइनिंग वैसा कुछ एक मैसेज आ रहा है फॉर सम ऑफ यू यहाँ हीलर का एनर्जी है कोई कोई है जो लोग इन्फ्लुएंसर uh, है यहाँ पे इन्फ्लुएंसर ओके इन्फ्लुएंसर फॉर सम ऑफ यू विद द स्टार आई कीप ऑन गेटिंग ये ओवरऑल बहुत हीलिंग एनर्जी को डिपेक्ट करता है ओके जस्ट इन जनरल आपका जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हीलिंग होगा ये जो नया चैप्टर होगा आपके लाइफ में उसमें एंड आई एम गेटिंग कि करेंटली बहुत लोगों के लिए एक्चुअली अभी करेंटली मैनिफेस्ट हो रहा है ओके okay, आपके लाइफ में एंड उसी डायरेक्शन आप लोग आगे बढ़ो इट हैज़ ऑलरेडी बिगान एंड ये आपका एक जर्नी है बेसिकली सो विद द रेड जास्पर आई एम सीइंग वेरी ग्राउंडेड काइंड ऑफ एनर्जी ओके आप जिस एनर्जी में होने वाले हो वो बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड होगा या आपका इमोशंस बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा बहुत लोगों के लिए दे सम काइंड ऑफ लाइक चैनलिंग जो जिस जो यू you नो know, आपका एक एबिलिटी हो सकता है ये कुछ आइडियाज़ हो सकता है जिसको आप चैनल करेंगे फिजिकल रियलिटी में यानी कि बहुत आ, अलग अलग आइडियाज़ आपको दिया जाएगा शायद फ्रॉम योर एंजल्स एंड गाइड्स या या डेफिनेटली फॉर ग्रुप नंबर थ्री अपार्ट फ्रॉम देट यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे ग्राउंडेड एनर्जी दिखाई पर है बहुत ही स्ट्रांग इमोशनल स्टेबिलिटी ग्रुप नंबर थ्री के लिए या एंड ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत लोगों के लिए देर समथिंग अबाउट जहां सैटर्न इट्स वेरी सैटर्नियन एनर्जी ग्रुप नंबर थ्री का शायद यू नो आपने बहुत कुछ चीज़ें देखा है आपके लाइफ में एंड इज बेसिकली लाइक अ टीचर सो आपको बहुत सिखाया गया है एक्चुअली बहुत सीखा है आपने एंड वैसा एक मैसेज आ रहा है ग्रुप नंबर थ्री के लिए ओके सो यस डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए यू मे हैव सम काइंड ऑफ लाइक एबिलिटी या फिर कोई गिफ्ट है टैलेंट है आपका जिसको आप शेयर करने वाले हो शायद ये जो नया चैप्टर होगा आपके लाइफ में उसमें So let's see for group number three. I'm seeing very, very uh, pure intention. Body pure intention. Hai aapka. Okay, so let's see. So the new chapter of group number three is life, please. Dear, dear some guys. New chapter of group number three is life. Okay, one last card. The new chapter of group number three is life. Okay, here we go. Oh, one more. The new chapter of group number three is life, please.

न्यू चैप्टर ऑफ ग्रुप नंबर एम्प्रेस ग्रुप नंबर थ्री ओके सो डेट्स ब्यूटिफुल सो विद द पेज ऑफ स्वर्ड्स बहुत लोगों के लिए आप लोग बहुत कुछ चीज़ें सीख रहे हो करेंडली ओके विद द पेज ऑफ स्वर्ड्स यहाँ पे बहुत रिसर्च uh, ओके okay, ये बहुत लोगों के लिए यहाँ पे कुछ कुछ नया इन्फॉर्मेशन आप लोग सीख रहे हो शायद अपने नॉलेज को और ज़्यादा uh, एक्सपांड कर रहे हो दैट्स वन थिंग आई एम सिंग जहाँ पे बहुत कुछ नई 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 चीज़ें आप लोग सीख रहे हो एंड बहुत लोगों के लिए आप uh, बहुत सिचुएशंस को लेके भी ऑब्जर्वेंट हो बहुत ज़्यादा एंड आप लोग बहुत इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे हो जस्ट बाय ऑब्जर्विंग वो भी एक मैसेज आ रहा है विद द पेज ऑफ स्वर्ट्स आप बहुत ज़्यादा डिटेल ओरिएंटेड हो जस्ट इन जनरल जैसे आप हो एक्चुअली आप बहुत ज़्यादा डिटेल्ड uh, चीज़ों को आप देख सकते हो ओके okay? आप डेफली बहुत क्लैरिटी निकाल सकते हो चीज़ों को लेके आप लोग बहुत ही प्रॉपर प्रॉपर एनालिसिस होता है आपका ओके okay? बहुत ही प्रॉपरली आप एनालाइज करते हो सिचुएशंस को इवन लोगों के एनर्जी को डैट में भी समथिंग विद अ पेज ऑफ स्वर्ट्स एंड आई एम सी कि करेंटली आप लोग बहुत कुछ सीख रहे हो एंड अपने बारे में भी आप लोग बहुत कुछ सीख रहे हो वो भी एक मैसेज आ रहा है ओके एंड या द न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ जैसे कि फ्रॉम द पेज ऑफ सोर्थ यहाँ पे एट ऑफ स्वर्थ है यहाँ पर बहुत कुछ चीज़ें आप लोग अपने बारे में भी रियलाइज़ करो अपने सिचुएशन के बारे में भी रियलाइज करो देट इज़ वन थिंग आई एम सींग एंड टू समस्टेंट आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी करते हो ग्रुप नंबर टू एंड आपको एक्चुअली अपना जो यू नो पावर है जो आपका अपना जो ब्यूटी है वो आप खुद ही देख नहीं पाते हो ओके okay? आप इतना डिटेल ओरिएंटेड हो कि कभी कभार आप उसी में खो जाते हो लेकिन आप यू नो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग जहाँ पे इवन इफ़ यू नो इम्परफेक्शंस पे आप ज़्यादा फोकस करते हो शायद दैट मे बी समथिंग बहुत लोग यहाँ पे वर्गो है शायद वो हो सकता है Uh, लेकिन आम सिंह की आप बहुत ज़्यादा उन इम परफेक्शन्स को यू you नो know, um, बहुत मैग्नीफाइंग ग्लास से आप उसको देखते हो एंड आप उसको बहुत ही बड़ा बना देते हो ओके सो दैट इज़ वन थिंग एम सिंह जहाँ पे थोड़ा इन सिक्योरिटी कहीं से ग्रो होता है बहुत लोगों के लिए शायद आई एम नॉट गुड इन या फिर मुझसे नहीं होगा शायद ओके okay, मुझसे Uh, शायद दिस इज़ टू गुड फॉर मी ओके वो वैसा एक एनर्जी आ रहा है यहाँ पे विद द एड ऑफ सोर्ट्स सो बहुत लोगों के लिए आई एम सिंग कि जो आपका नया चैप्टर होगा आपके लाइफ में उसमें आप ये जो बहुत ही इंटेंस निगेटिव पेसमिस्टिक सेल्फ टॉक है ना उसको आप लोग ओवरकम करेंगे विद द थ्री ऑफ वंस ओके एंड ये बहुत ही वन स्टेप एट अ टाइम जैसा एनर्जी है यानी कि आप वक्त के साथ वन आफ्टर अनादर आप उन सब नेगेटिव सेल्फ टॉक को आप क्लींस आउट कर रहे हो ओके अपने एनर्जी को क्लींस कर रहे हो आप जैसे अपने आप को देखते हो जैसे आप अपने बारे में सोचते हो ओके उसको लेके बहुत क्लींसिंग हो रहा है यहाँ पे सो जो नया चैप्टर होगा आपके लाइफ में इट्स गोइंग बी गोइंग टू बी बेसिकली योर ट्रांजिशन फ्रॉम एट ऑफ वर्ड्स टू एम्प्रेस ओके यानी कि जैसे आप अपने आप को देख रहे हो ओके बल्कि आप जैसे हो एक्चुअली ओके okay, वो फाइनली उस चीज़ को लेके आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा एंड बहुत लोगों के लिए ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो अभी से स्टार्ट हो रहा है आपके लाइफ में सो यू आर अंडरस्टैंडिंग हाउ ब्यूटिफुल यू आर ओके जो आपका नया चैप्टर होगा आपके लाइफ में उसमें एंड बाई ब्यूटिफुल आई डोंट मीन लाइक फिजिकल ओके फिज़िकल इज़ ऑफकोर्स वो एडिशनल होगा बहुत लोगों के लिए एम सिंह की इट्स अबाउट लाइक द इनर ब्यूटी यानी कि आप लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ क्रिटिकल हो शायद ग्रुप नंबर थ्री के लिए uh, आप बस अपने अंदर वो खामियां निकालते रहते हो सो फाइनली यू विल सी फॉर योर सेल्फ यू आर वो जो ब्यूटी है वो जो एक बहुत ही एम्प्रेस लाइक -like एनर्जी आप लेके घूमते हो वेरी कंपैशनेट एंड काइंड एंड आपका यू नो इंटेंशन भी बहुत ज़्यादा प्योर होता है ओके okay? आप फाइनली वो चीज़ आप रियलाइज़ कर पा रहे हो ओके okay, जो आप कैरी करते हो एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वेरी पावरफुल सो यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट ओके फॉर सम ऑफ़ यू ये आपके करियर में भी बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ेगा ओके okay. uh, करियर के केस में अगर बहुत ज़्यादा सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स है आप उसको सरपास करके आप उस एम्प्रेस पोजीशन में पहुंचने वाले हो जहाँ पे यू विल बी वेरी वेरी फिनेंशली स्टेबल विद नाइन ऑफ पेंडिकल ओके okay, आप फिनेंशली बहुत ज़्यादा स्टेबल होने वालों एंड ऐसा यू you नो know, एक स्टेबिलिटी आप इस्टेब्लिश कर लेंगे अपने लाइफ में जहाँ पे यू विल बी वेरी वेरी ग्रेटफुल आप बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होने वालों अपनी पोजिशन को लेके एंड uh, जो कुछ भी आपने अचीव किया उसको लेके क्योंकि इट्स गोइंग टू कीप ऑन लाइक ब्लॉसमिंग ओके ये जो ये जो एक अबांडेंस है ये आपके लाइफ में कंटिन्यू होगा ओके okay? इसके बाद इट्स गोइंग टू बी लाइक कंटिन्यूस सो बहुत लोगों के लिए ये जो शिफ्ट है वो इंटरनल है एंड जब ये इंटरनल शिफ्ट होगा आपके एक्सटर्नल रियलिटी में बहुत चेंजेस आएगा ओके सो लेट्स सी फर्दर मोर द न्यू चैप्टर ऑफ ग्रुप नंबर थ्री इज़ लाइफ ओकेज़ लाइफ प्लीज सोल चैप्टर ऑफ ग्रुप नंबर थ्री इज़ लाइफ ओके गो सो यहाँ पे है पिक्स ऑफ जॉय या सो so, यहाँ पे है लिसनिंग ओके एंड यहाँ पे है फॉलो द लीडर ओके फॉलो द लीडर हो माय गॉड सो फॉर ग्रुप नंबर थ्री विद द लिसनिंग बहुत लोगों के लिए योर गाइड्स आर ट्राइंग टू यू नो मेक यू अवेयर ऑफ हु यू एक्चुअली आर ओके आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपको इंथियोरिव मैसेजेस दे रहे कि आप कितना ज़्यादा कैपेबल हो एंड आई एम सिंह की कोई कोई है जो लोग यहाँ बर्ड्स एनिमल्स के साथ बहुत ज़्यादा यू नो आप लोग कनेक्ट करते हो शायद एस्पेशली बर्ड्स का भी एक मैसेज आ रहा है ओके बर्ड्स इन स्पेसिफ़िक एंड आई एम सिंह के बहुत मैसेजेस आपको दिया जाता है कि यू आर अ वेरी यू नो पावरफुल पर्सन ओके फ्राम विदिन एंड हमें से बहुत लोगों के लिए शायद अक्सर आप ये you यू know, नो उस चीज़ को आप डिसार्ड कर देते हो ओवर लुक करते सुनते ही नहीं हो शायद बहुत लोग ओके okay. एंड आप लोग अपने ही माइंड में फंस जाते हो ओके सो आई एम सिंग गानों के थ्रू से भी बहुत मैसेजेस आपको दिया जाता है ओके ग्रुप नंबर थ्री के लिए सो आई एम सिंह कि बहुत एनकरेजमेंट आपको मिलता होगा गानों के थ्रू से भी एंड आपको अवेयर किया करवाया जा रहा है कि आप कितना ज़्यादा नॉलेजेबल हो एंड आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा डिवाइन है ओके ग्रुप नंबर थ्री के लिए विद यू नो क्योंकि यहाँ पे एलिफेंट का डिपिक्शन है सो इट्स बेसिकली लाइक मुझे बहुत विजडम का वाइब uh, देता है एन एलिफेंट ओके एंड बहुत लोगों के लिए ये जो एक ऑब्सटिकल जैसा जो आपको लग रहा है शायद आपके लाइफ में वो बेसिकली आपके माइंड में ही है एंड जब आप उस एनर्जी से बाहर निकलेंगे यू विल सी देट यू आर अ लीडर ओके आप एक लीडर हो एंड बहुत लोगों के लिए यू आर मैन टू बी लाइक सम काइंड ऑफ लाइक एन इन्फ्लुसर वो एक वाइब आ रहा है विद द एम्प्रेस एंड फॉलो द लीडर जहाँ पे आपका बहुत डिवाइन नॉलेज है डिवाइन गिफ्ट एंड एबिलिटीज़ है ओके okay, बहुत लोगों के लिए यू मे बी इन टू एरोरापी ओके एंड उसी के ऊपर आपको कुछ बिल करना है शायद यहाँ और मुझे बहुत अलग ही और दिखाई पड़ रहा है आपके नए चैप्टर में आपके लाइफ में यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट एंड वेरी ग्राउंडड एट द सेम टाइम very ग्राउंडेड वेरी कॉन्फिडेंट ओके सो यू be a leader. लीडर वो एक मैसेज आ रहा है एंड बहुत जॉय एंड हैपीनेस होगा आपके लाइफ में ओके okay? सो so, वो आपका नया चैप्टर है लाइफ का सो लेट्स सी किसी के लिए आई also getting a message around like लाइक uh, pregnancy okay या yeah, कंसीव करने का भी एनर्जी है बट फॉर मोस्ट ऑफ़ यू ये करियर बेस्ड मैसेज ज़्यादा आ रहा है यहाँ पे सो लेट्स सी

सो दैट्स द सेम थिंग आप में से बहुत लोगों के लिए यू डोंट नो हाउ यूनिक यू आर हाउ डिफरेंट यू आर आपका इतना पोर्टेंट एक एनर्जी ले कर आप घूम रहे हो एंड आपका वाइब और आप बहुत ही यूनिक है अलग है ओके okay? एंड उसमें एक चार्म है एंड आप में से बहुत लोगों के लिए यू डोंट रियलाइज इट ओके आप खुद उस चीज़ को देख नहीं पा रहे हो एंड जो आपका नया चैप्टर होगा आपके लाइफ में उसमें द मोमेंट यू रियलाइज इट कि हु यू आर एंड जैसे कि आप ग्रो होते जाएंगे अपने ऊपर काम करेंगे क्लीनस आउट करेंगी ये थॉट पैटर्न उतना ज़्यादा यू विल अंडरस्टैंड कि हमेशा से यू you नो know, जो कुछ आप अचीव करना चाह रहे थे या फिर जो आप यू you नो know, जिस जैसा लाइफ आप जीना चाह रहे थे इट वॉज लाइक ऑलरेडी देयर ओके वो हमेशा से डेस्टिन था आपके लिए लेकिन बस उसके लिए आपको यू नो अवेयर होना था कि दैट इज़ एक्चुअली योर रियलिटी ओके वो एक्चुअली आपका रियलिटी है ओके okay? एंड आपको एक्चुअली जीना ही है इस लाइफ टाइम में वो आपका डेस्टिनी है उस चीज़ को लेके आपको रियलाइज यू नो रियलाइजेशन होना था एक्चुअली सो so बहुत लोगों के लिए द न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ आई एम सिंग कि आप बहुत कुछ चीज़ें वाह wow, यहाँ पे बहुत एफर्मेशन भी दिखाया पड़ रहा है जो आप यूज़ करने वाले हो शायद ओके okay, जो बहुत पॉजिटिव यू नो थिंकिंग पॉजिटिव जैसे आप अपने वर्ड्स को इस्तेमाल करते हो बहुत पॉजिटिविटी दिखाया पड़ रहा है बहुत लोगों के लिए यहाँ पे राइटर्स हो सकते हो आप लोग ओके okay, लेकिन यू विल बी इन अ काइंड ऑफ एन एनर्जी जहाँ पर जो भी आप बोलेंगे वो होगा ओके okay, क्योंकि आप बहुत ही स्ट्रांग मैनिफेस्टेशन यू नो एनर्जी में आप घुसने वाले हो सो so, बहुत लोगों के लिए या दिस एम्फ्रेस इज यू आर मैन टू लीव दिस काइंड ऑफ लाइफ एक्चुअली ओके आपको इस जगह पे पहुँचना है इस लाइफ टाइम में सो दैट इज द मैसेज आई एम गेटिंग सो ये जो इतना इनर क्रिटिक है बहुत लोगों के लिए एंड विद बी दंट नॉट द हंट क्योंकि शायद आ, आप लोग बहुत ही गिविंग हो नर्चरिंग हो एंड शायद आप ऐसे यू नो लोगों से मिले हो जहाँ पे आप शायद उन लोगों के साथ बहुत गिविंग एंड नर्चरिंग थे लेकिन पर यू नो बहुत निगेटिविटी आपके ऊपर प्रोजेक्ट किया गया एंड जिसके वजह से थोड़ा सा यू नो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस इशू हो गया बहुत लोगों के लिए डेथ में भी समथिंग सो विद दिस बी द हंटर नॉट द हंटर इज बेसिकली अपने इंट्यूशन के ऊपर ज़्यादा रिलाई करने को कहा जा रहा है ओके okay? लोगों के बातों पे नहीं आना है क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा नर्चरिंग है एंड कभी कभार इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टॉक्सिक पॉजिटिविटी पर ना घुसे ओके okay? जहाँ पर एक्सट्रीमली पॉजिटिव मत रहिए चाहे यू you नो know, इवन uh, इफ़ अगर कोई इतना आपको अपना निगेटिव एनर्जी दिखा रहे ओके okay, आपके सामने उसको ले कर आप टॉक्सिक पॉजिटिविटी रख रहे हो दैन ये आपके लिए ही खराब होगा एक्चुअली सो so, बहुत लोगों के लिए आप उसमें उस चीज़ को एनालाइज करना सीख रहे हो उस चीज़ को समझना सीख रहे, रहे हो एक्चुअली एंड अपनी इंट्यूशन के ऊपर ज़्यादा रिलाई हो रो ओके सो द न्यू चैप्टर ऑफ ग्रुप नंबर थ्री इज़ लाइफ प्लीज़ न्यू चैप्टर ऑफ ग्रुप नंबर थ्री इज़ लाइफ ओके सो यहाँ पे मिल्की वे परस्पेक्टिव एंड wow. यहाँ पे है ड्रीम टाइम क्रिएशन वाह wow. uh, जो आपका नया चैप्टर होगा आपके लाइफ का उसमें बहुत क्रिएटिविटी है आप बहुत नया एक लाइफ क्रिएट करेंगे अपने लाइफ में ओके योर ड्रीम लाइफ बेसिकली ओके आप एक क्रिएटर होने वालों जहाँ पे आप अपने ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करेंगे विद द ड्रीम टाइम क्रिएशन ओके okay? एंड बहुत आइडियाज़ है आपके अंदर जिसको आपको शायद रियलिटी में बदलना है ओके एंड आई एम डेफिनेटली सीइंग यहाँ बहुत प्रेजेंस है ओके okay? लाइक like, um, uh, डिइन आपके एंजल्स एंड गाइड्स बेसिकली बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है आपके लाइफ में ओके एंड यू माइट इवन सेंस डेम समटाइम्स ओके आप सेंस कर सकते हो शायद अपने एंजल्स एंड गाइड्स को एंड या आई एम दैट काइंड एनर्जी इफ आई हैव टू बी ऑनेस्ट ओके सो बहुत लोगों के लिए या yeah, डेफिनेटली आपको एनकरेजमेंट दिया जा रहा है ओके okay? यू आर मैन टू बी द क्रिएटर डिस क्रिएटर ओके एंड बहुत लोगों के लिए आप उस जगह पे पहुँचने वालों एंड देट इज़ गोइंग टू बी द न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ जहाँ पे विद अ परस्पेक्टिव आपका परस्पेक्टिव और ज़्यादा एक्सपानसिव होगा एंड आप इतना अटैच नहीं होने वालों किसी भी रिजल्ट को लेके क्योंकि यू विल बी लाइक अ क्रिएटर बेसिकली आप क्रिएट करेंगे बहुत ही लविंग एनर्जी से आएंगे ओके okay? Uh, बहुत हीलिंग एनर्जी लाएंगे लोगों के लाइफ में वैसा एक मैसेज आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर थ्री लेट्स सी या वॉट इज द न्यू चैप्टर ऑफ ग्रुप नंबर थ्री इज लाइफ प्लेज न्यू चैप्टर ओके गो यहाँ पे है मैजिशियन एंड द मिरर वाओ एवरीथिंग इज स्पीकिंग अबाउट क्रिएशन क्रिएटर मैजिशियन मैनिफेस्टर ओके सो so, यहाँ पे है एंजल ऑफ बैलेंस या वेरी बैलेंस्ड एनर्जी वेरी ग्राउंडेड, वेरी बैलेंस्ड दैट्स हु आर मेंट टू बी एक्चुअली सो बहुत लोगों के लिए आप बहुत ही एक बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी में होने वाले हो एंड वही आपका नया चैप्टर है उसमें आपका फ्रिक्वेंसी इज लाइक यू नो जहाँ पे कुछ भी Uh, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा कुछ भी आपको हिलाएगा नहीं आपके स्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी से आई मीन से आप बहुत ही बैलेंस्ड फील करेंगे एंड आई एम सीइंग कि बहुत काल ने यू नो बहुत ही कालनस है यहाँ पे बहुत काल एनर्जी है जहाँ पे यू you नो know, इतना या यू डोंट गेट राइल्ड अप ओके ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे एवरीथिंग इज़ वेरी काल एंड विद अ मजिशन एंड अ मिररर आप जैसे उस एनर्जी में हो वैसे आपका जो एक्सटर्नल uh, रियलिटी है उसको मिररर कर रहा है ओके okay? आप वैसा लाइफ जीने वाले हो ओके सो दैट इज गंग टू बी द न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ जहाँ पे बहुत ज़्यादा एबंडेंट एनर्जी में हो आप जहाँ पे यू आर वेरी काम ओके वाओ इट्स वेरी वेरी ब्यूटिफुल एंड जहाँ पे आप कंस्टेंटली क्रिएट करते जाएंगे अपने लाइफ में ओके अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज आपको दिखाया पड़ेगा अपनी लाइफ में सो यू विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग कंटिन्यूसली क्रिएटिंग ओके एंड बहुत एक्सपानशन है कंस्टेंट एक्सपांशन ओके वाओ सो वही था ग्रुप नंबर थ्री का मैसेज ओके सो बहुत लोग के लिए आप लोग आ, लिब्रा हो टॉरस हो सकते हो बहुत लोग ओके okay, सेजिटेरियस uh, है यहाँ पे एक्वारियस है ओके okay, एंड वट एल्स पाइसीज है फॉर सम ऑफ़ यू यागो है जमिनाई है या फॉर सम ऑफ यू आप लोग डेफिनेटली हीलिंग के फील्ड में हो शायद ओके यू मे बी इवन डॉक्टर और यू नो इन द मेडिकल फील्ड काउंसिलर्स हो सकता हो बहुत लोग यहाँ पे सो या दो आर द ओनली साइंस आई एम सिंग ओके सो थैंक यू सो मच ओके ग्रुप नंबर थ्री आई एल सी यू सन अगेन माई नेक्स्ट रीडिंग चिल्ड्रेन टेक केयर